भारतीय रेलवे से हम कितनी भी सफर कर ले, लेकिन हर बार इसके बारे में कुछ न कुछ नया ही जानने को मिलता है। शहर बड़ा हो या छोटा हो, हर प्लेटफॉर्म पर कुछ चीजें हर बार दिखाई देती है, जैसे कि चाय चाय वाले की आवाज, स्टेशन पर इंतजार करने के नाम पर बैठे लोग और पुलिस वाले। इसके अलावा स्टेशन पर जो खास चीज नजर आती है वो है स्टेशन की पहचान करने के लिए पीले रंग की सूचना बोर्ड। दोस्तों, स्टेशन बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह आपको ये पीले रंग का बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर शहर का नाम हिंदी में, इंग्लिश में और कई बार तो उर्दू में देखने को मिल जाता है। स्टेशन के नाम के नीचे कुछ और भी लिखा रहता है। अगर आपने इस बोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो जरूर देखा होगा, इस बोर्ड पर समुद्र तल की ऊंचाई भी लिखा जाता है, यानी जमीन से कितना नीचे समुद्र है उसको भी यहाँ पे दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों लिखा जाता? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आज पूरे डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले और जानने से पहले, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके। अब बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है आप उसे भी ऑन कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को वो भी जान सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया गोल है। दुनिया को एक ऐसी समान ऊंचाई पर नापने के लिए वैज्ञानिक को किसी ऐसी पॉइंट की जरूरत थी जो एक समान दिखे, लिहाजा इस मामले में समुद्र परफेक्ट था, क्योंकि समुद्र का पानी एक समान रहता है, इसलिए बोर्ड पर लिखा जाता है समुद्र तल की ऊंचाई। लेकिन इसको लिखने का क्या फायदा? दरअसल यह यात्रियों के लिए नहीं बल्कि गार्ड और ड्राइवर के लिए जरूरी है। ड्राइवर और गार्ड को सूचित करने के लिए बोर्ड पर यह लिखना आवश्यक होता है। यानी मान लीजिए ट्रेन 100 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से 150 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है। ऐसे में सूचना बोर्ड को देखकर ड्राइवर इस बात का अंदाजा लगा लेता है इंजन की स्पीड किस हिसाब से बढ़ानी है। इसके साथ ही ट्रेन के ऊपर लगे बिजली के तारों को एक समान ऊंचाई देने में भी इससे मदद मिलता है, ताकि बिजली के तारों का संपर्क हमेशा ट्रेन के तारों से बना रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।